घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने किडनी के मरीज से 17,000 रुपए हड़प लिए। दरअसल आरोपी ने कलेक्टर का प्रतिनिधि बनकर पीड़ित को 25 लाख के 5 फर्जी चेक सौंप दिए। बैंक में जांच करने पर मामले का खुलासा हुआ। वहीं पीड़ित के परिजनों ने धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद CI विनोद सांखला ने आरोपी खेतड़ी निवासी विशाल सिंह मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। जब इनको पता लगा कि कोई फर्जी आदमी है, तो उन्होंने जानकारी करने के बाद पता किया कि ये हमसे गलत तरीके से और गलत चेक दे करके हमसे पैसा लूट के ले गया, तो कल थाने पे इसने दर्ज करा दिया। हमने तुरंत ही रात को ही इसकी तलाश की और तलाश करने के बाद इसको हमने गिरफ्तार किया। सर, अपराधी का क्या नाम है और भी कहीं वारदात की है इसने? अपराधी का नाम विकास सिंह है, पिताजी का नाम रणजीत सिंह है, जाति मेघवाल है और यहीं खेतरी का रहने वाला। इसके संबंध में चूंकि कई जगह इस तरीके की वारदातें सुनने में आती है, तो इसलिए हमने जिले के सभी थानों को सूचित कर दिया। अगर ऐसी कोई वारदात है तो हमें वो हमसे कुछ सूचना ले सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ झुंझुनू से संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। विकास, झुंझुनू के खेतड़ी में एक अजीबोगरीब यहां पर मामला देखने को मिला है, जहां पर एक युवक फर्जी CI बनकर पैसे हड़पता है। क्या कुछ पूरा मामला है और कब से वो युवक इसी तरीके से बहरूपिया बनकर पैसे हड़प रहा था, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। इसे मैं बताना चाहता हूं कि एक नानवाड़ी बावड़ी निवासी अनिल कुमार है, जो किडनी के रोग से पीड़ित है, जिसको लेकर ये जो विकास है, जो खेतड़ी कस्बे का ही रहने वाला बताया जाता है, ये वहां पे गया और बोला मैं DM का एक प्रतिनिधि हूँ, जिन्होंने आपके लिए आपकी इलाज के लिए 15 लाख रुपए दिए हैं, 5-5 लाख रुपए के फीस है और 5 लाख रुपए उसने अपने